नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, रीजनिंग का लेक्चर आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कोडेड इनइक्वलिटी। इससे पहले जो थर्ड क्लास है उसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया था इनइक्वलिटी का कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम एक ऊपर लेवल जाएंगे और हम करेंगे आज कोडेड इनइक्वलिटी। ये एग्जाम में पूछा जाता है और थोड़ा यहाँ पर मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे ये मुश्किल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, मेरी हर वीडियो का पीडीएफ यहाँ जाके ले सकते हैं। क्या करना है आपको, टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल आपको सर्च मारना है। ओवर 660 प्लस मेंबर है तो आप इसी को यहाँ पर ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम का आपको फायदा ये होगा कि इस वीडियो का पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको ले डालूंगा। ये जल्दी होगा, ये जब पूरा जो लेक्चर है वो सारे निपट जाएंगे तो लास्ट के 3 दिन में आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस से ही आप यहाँ पर जो प्री है वो बहुत ही इजीली आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो कोडेड इनइक्वलिटी का अगर मैं बताऊं तो मैं आपको क्वेश्चन से ही बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में क्या रहता है। इससे पहले क्लास में मैंने आपको सिंपली बताया था कि ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे ये है P ग्रेटर देन Q, देन Q स्मॉलर देन N। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्ट रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सिंबल आपको दिख रहे हैं, पर कोडेड इनइक्वलिटी में एक स्टेप ज्यादा रहता है जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये जैसे क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सिंबल लिखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉलर हैश एट द रेट और सी, ऐसे कुछ सिंबल दे रखे हैं। तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो कोडेड इनइक्वलिटी का मतलब ही है कि आपको कोड को पहले क्रैक करना है, देन उसमें से आपको सिंबल फाइंड आउट करना है, देन आप क्वेश्चन में करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो मिनिमम जो आपको इनइक्वलिटी में टाइम लगता था 30 सेकेंड, इसमें आपको 1 से 1.5 मिनट आपको सीधा सीधा लग जाएगा, क्योंकि आपको पहले कोडेड इनइक्वलिटी को क्रैक करना है, देन आपको इनइक्वलिटी निकालनी है, देन आपका आंसर आएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली जैसे ही इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे सीधे ऐसे नहीं लिखना है कि पी सी क्यू का मतलब ये होता है। सिंपली आपने क्या करना है, जल्दी से सी ऐसे लिखना है, हैश लिखना है, डॉलर लिखना है और परसेंटेज लिखना है जल्दी जल्दी अपने आंसर शीट में, रफ शीट में, और उसका मतलब आपने जल्दी से लिख देना है। तो करते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो पहले मैं आपके लिए ये इरेज कर देता हूं। तो अब देख लेते हैं यहां पर इसका मतलब क्या है। पहले क्या बोला है कि C का मतलब आपको बोला है P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P यहां पे स्मॉलर नहीं है, अगर P स्मॉल नहीं है तो क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है। ये हो गया यहां पर पहला, C का मतलब क्या हो गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू। देन आपका स्टार का मतलब क्या है कि P ग्रेटर नहीं है, P यहाँ पर ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पर स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू। देन क्या बोला है, एट द रेट का मतलब क्या बोला है, पी ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एट द रेट का ये हो गया आपका स्मॉलर देन। देन सिमिलरली डॉलर का मतलब है पी ना तो छोटा है ना यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर डॉलर का मतलब हो गया आपका ग्रेटर देन। और नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर जो परसेंटेज का साइन का मतलब है P ना तो बड़ा है ना स्मॉलर है, तो आपके पास एक ही साइन बचता है, इसका मतलब है आपका इज इक्वल टू। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कोडेड इनइक्वलिटी को, पहले आपको क्रैक करना है, देन आपको ये सिंबल आपको एक जगह में लिख देना है और फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बढ़ना है। ये आपका क्वेश्चन है स्टेटमेंट और देन है आपका कंक्लूजन, तो इसको भी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है जल्दी से। तो देख लेते हैं, पहले मैं आपके लिए यहाँ पर ये रफ कर देता हूं। तो आपने देखा पहला क्वेश्चन क्या है कि जे स्टार जे डॉलर के, तो जे को हम लिख देंगे जे डॉलर को, ये आ जाएगा के क्योंकि डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन। देन है आपका के स्टार को यानी कि इस तरीके से, टी एट द रेट हो गया आपका इस तरीके से, एन और एन सी आर का मतलब हो गया एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये आपका सिंपल यहां पर फाइंड आउट हो गया। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है आपका कि क्या जे ग्रेटर है टी से। यहाँ पर ये मैं आपके लिए लिख देता हूं, सी का मतलब है आपका ग्रेटर देन, स्टार है आपका स्मॉलर देन इक्वल टू, एट द रेट आपका स्मॉलर देन, जल्दी से फाइंड आउट करना है आपको
ग्रेटर देन और परसेंट आपका इज इक्वल टू। तो सिमिलरली आर स्टार टी, तो आर स्टार टी क्या हो जाएगा, जल्दी से आप करेंगे यहां पर आर स्टार टी, आर स्टार टी हो गया आपका के एट द रेट टी, देन आपका ये हो गया आर स्मॉलर देन टी एन ग्रेटर देन के, देन आर स्मॉलर देन इक्वल टू के। तो अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, कंक्लूजन दे रखा है आपका जे बड़ा है टी से, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था बड़ा मुंह जाए वहां आपको जाना है, तो जे से टी में जाएंगे, जे से आप गए के में, के से गए यहाँ पर टी की, टी में जा सकते हैं पर यहाँ पर सीरीज ब्रेक हो गई, तो यहाँ पर ये पहला वाला तो कैंसिल हो गया। देन जल्दी से जाएंगे टी बड़ा है या बराबर है आर से, तो टी कहाँ गया है, टी यहाँ से, तो टी से हम यहाँ पर जा ही नहीं सकते हैं, पर इस तरीके से यहाँ पर जा सकते हैं हम टी के में गए और के से आपको जो साइन है वो जे यहाँ पर सीरीज ब्रेक हो रही है अगेन, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। देन आप जाते हैं एन ग्रेटर देन के, तो एन ग्रेटर के में जाते हैं हम, एन से गए हम आर में, आर से आपको कोई साइन नहीं मिल रहा है अगेन, तो आप एन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, तो एन से गए हम टी में, टी से गए हम के में, तो के यहाँ पर ये बन रहा है साइन का, यहाँ पर सिंबल का आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन में आपको जो सारे साइन आपके जो है ग्रेटर के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होने चाहिए और स्मॉलर के केस में स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं होने चाहिए, वरना आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देन देखते हैं आर और के बीच में, के बड़ा छोटा है आर से, तो के देख लेते हैं यहाँ पर, के यहाँ पर जा ही नहीं सकता और देखिए यहाँ पे भी जा नहीं सकता और यहाँ पे भी जा नहीं सकता, इसलिए ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपको जो आंसर है वो है आपका ओनली थर्ड, ओनली थर्ड आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए ओनली थर्ड इज द ट्रू, ओनली थर्ड आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है, कोडेट को पहले क्रैक आउट करना है, फिर आपको यह आंसर शीट में जल्दी से लिख देना है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे आपको पूरा फाइंड आउट करना है, पूरा आप लिख रहे हैं रफ शीट में, इससे बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा, तो आपको जल्दी से पहले जो सिंबल है उसके आगे सिंपली आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखे जाते हैं एग्जाम में, पहले भी आए हैं तो आ भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है आपको एच एट द रेट बी, बी ई वी ई और डब्ल्यू वी, तो जल्दी से देख लेते हैं। एट द रेट हमने बोला क्या था, एट द रेट था स्मॉलर, देन आपका बी स्मॉलर देन ई, वी ग्रेटर देन ई, देन आपका डब्ल्यू वी। तो गाइज जो आप भी अगर कमेंट करेंगे या आपके पास क्वेरी होगी कि सर आप इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं, तो ये बच्चे सब प्रैक्टिस से ही होगा और प्रैक्टिस से ही आप यहाँ पर ये क्रैक आउट कर पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आज भी मैं आपके लिए होमवर्क लाया हूँ, तो वो होमवर्क जरूर यहाँ पर अटेम्प्ट करें और कमेंट में बताइए कि आंसर क्या है। आप यहाँ पर कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन है आपका W ग्रेटर देन E, H स्मॉलर देन E, H स्मॉलर देन V और W ग्रेटर देन B। तो देख लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। पहला है W बड़ा है E से, तो सबसे पहले हम गए W में, तो W से गए हम V में, V से गए हम सिंपली E में, तो ये यहाँ पर सिंपली सही हो जाता है। देन है आपका E से गए हम H में, यानी कि E बड़ा है क्या H से, तो ई में, ई से गए हम बी में, बहुत ही अच्छे से जा सकते हैं हम, और बी से हम गए हम वी में, बी से हम गए एच में, तो ये भी आप जा सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। देन है आपका वी बड़ा है एच से, तो वी से गए आप एच में, वी से गए आप ई में, ई से गए आप बी में और बी से गए आप एच में, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। देन है आपका डब्ल्यू बड़ा है बी से, तो डब्ल्यू से गए आप वी में, वी से गए ई में और ई से गए आप बी में, तो ये सारे जो कंडीशन है यहाँ पर फॉलो हो रही है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो है ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इज ट्रू, तो यानी कि ऑल आर ट्रू, तो ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम कर रहे हैं, ये बस आपका सिंबल का खेल है और आपकी थोड़ी समझ है, रीजनिंग का मतलब ये है कि आप थोड़ा कॉमन सेंस अपना यूज करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो पहला है आपका K स्टार, यानी कि K एट द रेट D, देन है आपका D डॉलर N, इसका मतलब है D ग्रेटर देन N, देन है N इक्वल टू M और M ग्रेटर देन इक्वल टू W, ये हो जाएगा W। आप क्या बोला है, कंक्लूजन में बोला है M एट द रेट, यानी कि M इक्वल K,
n greater than k, m smaller than d, then है w smaller than equal to n. अब find करना है आपको k से m में जाना है, तो k से m में हम कैसे जाएंगे, तो k यहाँ पर, तो k से हम d में जा ही नहीं सकते क्योंकि पहली सीरीज ब्रेक हो रही है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. n से k में जाना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था बड़ा साइन जो है वहीं से आप गुजरिए, तो k से n में, अगेन k से आप जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि स्मॉलर देन है, तो ये यहाँ पर जा ही नहीं सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. देन है आपका m और d, तो d से हम जाएंगे, ये आप देख सकते हैं d से गए n में और n से गए m में, क्योंकि n इक्वल टू m है, तो आप कह सकते हैं d ग्रेटर देन m, तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा सीधे सीधे. देन है आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू w, तो n से आप गए n क्योंकि m के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर n आप रखेंगे तो भी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा. तो इसमें आएगा आपका सेकेंड और माफ कीजिएगा थर्ड और फोर्थ इज ट्रू, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. देख लेते हैं, तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन में बिल्कुल है, तो थर्ड और फोर्थ आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से देख लेते हैं. तो नेक्स्ट है आपका आर बोला है आर सी के, तो इसको हम लिखेंगे आर ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन के स्मॉलर देन इक्वल टू एन, एन ग्रेटर देन जे और जे इक्वल टू एच. ये सारे सिंबल के यहाँ पर हमने कोड कर दिए हैं. देन क्या पूछा है, आर डॉलर एन जिसका मतलब है आर ग्रेटर देन एन, जे स्मॉलर देन के और एच स्मॉलर देन एन और आर ग्रेटर देन एच. अब पूछा है आर बड़ा है एन से, तो ये देख लेते हैं. आर यहाँ पर के में गया, k से n में जाना चाहता है पर सीरीज ब्रेक हो गई है इसलिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया. देन j और k में, k से गए हम j में, तो k आपको दिख रहा है, k से हम जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि पहली सीरीज ब्रेक हो रही है, स्मॉलर देन का साइन है, ये भी कैंसिल आउट हो गया. देन है n और h में, तो n से गए हम j में, ये देख सकते हैं आप n से गए j में और j से गए हम इजीली h में, तो ये आपका यहाँ पर साइन सही हो जाता है. तो गाइज अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ग्रेटर देन में आपके जो सारे साइन हैं वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं तो वो आपका रॉन्ग हो जाता है. इस केस में ये यहाँ पर ग्रेटर देन था केवल, तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट है आपका आर बड़ा है एच से, तो आर आपने देखा के में गया, के से अगेन सीरीज ब्रेक हो गई, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया. तो आपका जो सही आंसर है वो है ओनली थर्ड इज ट्रू, ये है आपका ओनली थर्ड इज ट्रू. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं कोडेड इनइक्वलिटी के. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक से मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे, तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं डायरेक्शन का, एक से तीन क्वेश्चन, ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है. आपको कोडेड पहले क्रैक करना है, देन आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन. ये आपके लिए मैंने होमवर्क लिया है, तीन क्वेश्चन है छोटे मोटे, तो आप ये यहाँ पर जरूर अटेम्प्ट करिए. तो गाइस आप कमेंट में जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा. आने वाले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.